नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इफ़ ब्लड सप्लाई टू हार्ट इंटरप्टेड मोर देन 6 मिनट इट मे काउज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हार्ट की ब्लड सप्लाई 6 मिनट से ज़्यादा के लिए इंटरप्टेड हो जाए, मतलब बाधित हो जाए, तो यह क्या काउज करेगी। ऑप्शन ए रिवर्सिबल एमआई, ऑप्शन बी कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन सी इरिवर्सिबल एमआई, ऑप्शन डी कार्डियक ब्लॉक। देखिए, अगर हार्ट की ब्लड सप्लाई जो होती है वह 6 मिनट से ज़्यादा के लिए अगर बाधित होगी तो वह इरिवर्सिबल एमआई काउज करेगी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इरिवर्सिबल एमआई का मतलब ये होता है कि वह पुनः पहले वाली स्थिति में नहीं आ पाएगी, वह पुनः पहले वाली स्थिति में नहीं आ पाती है तो उसको इरिवर्सिबल एमआई कहते हैं। एमआई का मतलब हो गया मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। रिवर्सिबल एमआई वह पुनः पहले वाली स्थिति में हो सकती है, लेकिन अगर 6 मिनट से ज़्यादा के लिए अगर ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड होती है ब्लड सप्लाई, तो वह रिवर्सिबल एमआई में आता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, इसमें जो हार्ट होता है वह सडनली बीट होना बंद हो जाता है, धड़कना बंद कर देता है, उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक ब्लॉक में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती हैं वह बाधित हो जाती हैं, इसको कार्डियक ब्लॉक कहते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टरी कॉमनली अफेक्टेड ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी आर्टरी होती है जो कॉमनली अफेक्ट होती है कब, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के समय। ऑप्शन ए रीनल आर्टरी, ऑप्शन बी कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी हिपेटिक आर्टरी, ऑप्शन डी कैरोटिड आर्टरी। देखिए, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता क्या है, जो मायोकार्डियम मसल होती है उसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ना पहुंचने की कंडीशन को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। मायोकार्डियम जो हर्ट होता है उसकी मिडिल लेयर को कहते हैं। जब मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई जो पहुंचाती है उस आर्टरी, वही आर्टरी बाधित होती है, तो वह कौन सी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रीनल आर्टरी किडनी के लिए सप्लाई करती है, और हेपेटिक आर्टरी लीवर के लिए सप्लाई करती है, हेपेटिक आर्टरी लीवर के लिए सप्लाई करती है। और कैरोटिड आर्टरी जो होती है वह हेड और नेक के लिए ब्लड सप्लाई करती है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, All are the non-modifiable risk factor for atherosclerosis except। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए सभी नॉन मॉडिफाइएबल का मतलब है जिनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ऐसे रिस्क फैक्टर हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी हेरिडिटी, ऑप्शन डी जेंडर। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि नॉन मॉडिफाइएबल का मतलब ये होता है जिनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऐसे नीचे दिए गए सभी ऐसे फैक्टर हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, एक को छोड़कर। देखिए, जो जेंडर होता है, जेंडर में मतलब मेल या फीमेल जो भी होता है इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। अगर कोई मेल है तो वो मेल है, उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, जैसे माता पिता से जो जीन होते हैं वह बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, उनको भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। एज जो है उसको भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। और जो हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक होता है, कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं सैचुरेटेड फैट, इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर डाइट में ज़्यादा ले रहे हैं तो उनको हम कम कर सकते हैं, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो एक कौन सा ऐसा फैक्टर है जो जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बी सी डी ये नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर हैं। क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में से कौन सा है जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए? ऑप्शन ए सिगरेट स्मोकिंग, ऑप्शन बी हाइपरलिपिडीमिया, ऑप्शन सी फीमेल ओवर 55 ईयर ऑफ एज, ऑप्शन डी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। देखिए इसमें नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर पूछा गया है, नॉन मॉडिफाइबल जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, तो सिगरेट स्मोकिंग, जो सिगरेट स्मोकिंग होती है वह तो मॉडिफाई की जा सकती है, अगर कोई दो पीता है तो उसको छोड़ भी सकता है, तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हो गया। हाइपरलिपिडीमिया जैसे सेचुरेटेड फैट जो डाइट में लेता है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस में जो होता है, जो आर्टरी होती है उसके जो ल्यूमन होता है उसमें लिपिड और जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वह डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे जो ल्यूमन होता है वह पतला हो जाता है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो लिपिड को भी मॉडिफाई किया जा सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है, जैसे लेट जागना, एक्टिविटी फिजिकल कम करना, तो इनको भी मॉडिफाई किया जा सकता है, रेगुलर एक्सरसाइज करके इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। फीमेल ओवर एज ऑफ 55 ईयर, तो ये मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि 55 ईयर एज है उसको, अब उसको कहें कि 30 साल की हो जाए तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है? ऑप्शन सी जो है वह नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर ए नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बहुत सारे नंबर होते हैं रिस्क फैक्टर के कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, तो उनमें से कौन सा है जिसको मॉडिफाइबल यानी मॉडिफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, पूछना यही था कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया गया है। सबसे पहले हमें अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हम उसको बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए ओबेसिटी, ऑप्शन बी हेरिडिटी, ऑप्शन सी जेंडर, ऑप्शन डी एज। देखिए एक सीएडी होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन जो होता है हाइपरटेंशन, और एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये तीनों चीज़ों के लिए जो रिस्क फैक्टर होते हैं वह ज़्यादातर मिलते जुलते होते हैं और सेम होते हैं। सीएडी, हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए जो रिस्क फैक्टर होते हैं वह सेम होते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि देयर आर ए नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइबल, जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है ऐसा रिस्क फैक्टर बताना है। तो देखिए जो एज होती है इसको तो मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, और जो जेंडर होता है इसको भी नहीं मॉडिफाई किया जा सकता है, हेरिडिटी जो होती है इसको भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, ओबेसिटी जो होती है यह मॉडिफाई की जा सकती है, क्योंकि ओबेसिटी से रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे सेचुरेटेड फैट लेना, जो सेचुरेटेड फैट होते हैं उनको कम लेना और एक्सरसाइज वगैरह करके उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन बी सी डी जो ये हैं इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है इसका मोस्ट कॉमन काउज क्या होता है। ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी स्ट्रेस, ऑप्शन डी वेसोस्पास्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है इसका मेन जो काउज होता है, जैसे एग्जांपल के लिए ये आर्टरी है, आर्टरी जो होती है इसमें ब्लड इधर उधर बहता है, इसकी जो ल्यूमन होती है इसमें लिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वह डिपॉजिट हो जाते हैं, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल इसके ल्यूमन में डिपॉजिट होने लगते हैं, तो यह एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन बन जाती है। जब एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन बनेगी तो इसकी जो ल्यूमन होती है वह बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, अब जब पतली हो जाएगी तो यह कोरोनरी आर्टरी डिजीज काउज करेगी, तो इसको क्या कहेंगे हम, एथेरोस्क्लेरोसिस। जो डिपोजिशन होते हैं लिपिड और कोलेस्ट्रॉल के वह इसके ल्यूमन में डिपोजिट हो जाते हैं, तो ऑप्शन is the right answer. Most common cause of coronary artery disease is atherosclerosis. Option is the right answer. Next question है the most common cause of myocardial infarction is. Question क्या कह रहा है, जो myocardial infarction होता है इसका most common cause क्या है? Option A aneurysm of coronary artery. Option B occlusion of coronary artery by an embolus. Option C thrombus formation in a coronary artery. Option D vasospasm of coronary artery. देखिए मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का जो मोस्ट कॉमन काउज होता है वह होता है सी ए डी मतलब क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, जो आर्टरी होती है उसकी बाल पर जो कैल्शियम, लिपिड और कोलेस्ट्रोल का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे जो ल्यूमन होती है वह सक्रिय हो जाती है। तो उसमें क्या हो जाता है, थ्रम्बस बनने लगता है, और थ्रम्बस बनेगा तो वह आर्टरी जो होती है वह हार्डनिंग हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो जो ऑप्शन सी जो है यह मोस्ट कॉमन काउज है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थ्रम्बस फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी इज द राइट आंसर। देखिए एनेरिज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, इसमें क्या होता है, जो आर्टरी की वाल होती है वह डायलेटेड हो जाती है, जहाँ पर डायलेट हो जाती है उसको एनेरिज्म कहते हैं। ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय एन एम्बोलस, इसको एम्बोलिज्म कहते हैं। यह एयर एम्बोलिज्म एग्जाम्पल के लिए जो एयर एम्बोलिज्म होता है उसको मान सकते हैं। थ्रम्बस फॉर्मेशन जो मोस्ट कॉमन काउज है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज इंक्लूड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के डेवलप होने के लिए रिस्क फैक्टर हैं। ऑप्शन ए स्मोकिंग, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी सीरम कोलेस्ट्रोल, ऑप्शन डी आल। देखिए जो कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए जो रिस्क फैक्टर होते हैं वे लगभग सेम होते हैं। तो स्मोकिंग, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रोल ये सभी कोरोनरी हार्ट डिजीज को डेवलप करने वाले रिस्क फैक्टर हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए सभी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए, एक को छोड़कर। ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी सेक्स, ऑप्शन सी हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी फैमिली हिस्ट्री। देखिए जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए, तो वो एज जो है इसको भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, सेक्स में जैसे मेल और फीमेल इसको भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, और फैमिली हिस्ट्री जैसे जेनेटिक भी बोल सकते हैं हम, जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री जैसे किसी के माता पिता का अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज रही होगी तो इसको भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, इसके लिए हम डाइट मॉडिफिकेशन और स्ट्रेस और लाइफस्टाइल को चेंज करके जो हम ब्लड प्रेशर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है ऑप्शन सी जो है वह मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, और ए, बी और डी ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, एक्सेप्ट में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलॉन्ग विद परसिस्टेंट क्रशिंग चेस्ट पेन विच साइन सिम्टम मेक द नर्स सस्पेक्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसमें परसिस्टेंट क्रशिंग चेस्ट पेन पहले से ही है, और कौन सा सिम्टम होना चाहिए जो सस्पेक्ट करेगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। ऑप्शन ए मिड एपिगैस्ट्रिक पेन एंड पायरोसिस, ऑप्शन बी डायफोरेसिस एंड कूल कालमी क्लेमी स्किन, ऑप्शन सी इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन एंड पोलर, ऑप्शन डी जिगुलर वेन डिस्टेंशन एंड डिपेंडेंट एडिमा। देखिए क्वेश्चन को इस तरीके से समझ लीजिए कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है वह होता क्या है, उसका क्या सिम्टम होते हैं। उसमें जो सीवियर क्रशिंग चेस्ट पेन होता है, परसिस्टेंट क्रशिंग चेस्ट पेन होता है, जो रेडिएट होता है नेक, जॉ और लेफ्ट शोल्डर की तरफ रेडिएट होगा। कहाँ के लिए, नेक यानी गर्दन के लिए तरफ, बड़े गर्दन की तरफ रेडिएट होगा, जबड़े की तरफ और लेफ्ट शोल्डर से होता हुआ आर्म की तरफ अगर रेडिएट होता है तो वह मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कार्डिनल साइन होगा। इसमें क्या होता है, यह रेस्ट और नाइट्रोग्लाइसरीन जो होती है उससे रिलीव नहीं होता है, इसके बाद इसमें और कौन सा होना चाहिए कि जो डायफोरेसिस एंड कूल क्लेमी स्किन जो होती है, यह भी एक इसमें सिम्टम होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसमें चेस्ट पेन के साथ साथ और क्या होना चाहिए? कूल कालमी स्किन एंड डायफोरेसिस, बीक 3D बीक पल्स हो जाती है, बीक पल्स के साथ साथ लेथर्जी भी हो जाती है और डायफोरेसिस और ओलिगोयूरिया भी इसमें हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ओलिगोयूरिया भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। एपी मिड एपीगैस्ट्रिक पेन एंड पायरोसिस, ये जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज होती है उसमें देखने को मिलता है। और जिगुलर वेन डिस्टेंशन और डिपेंडेंट एडिमा जो होता है वह राइट साइड हार्ट फेलियर, जो राइट साइड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।